बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे, जहाँ कहीं होंगे अल्लाह के सामान में होंगे। आज बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया होगा। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमक और मिर्च को मिक्स करेंगे, क्योंकि टमाटर के अंदर हमने इसी को फिल करना है। टमाटर के अंदर ये देखिए, आपने इसी तरह से छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से टमाटर के अंदर नमक और मिर्च को फिल कर लेना है, सेम इसी तरह जैसे आपको दिखाया जा रहा है। इसके अंदर से आपने कुछ निकालना नहीं है, अगर आपके टमाटर बीज वाले नहीं हैं। अगर आपके टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा बीज हैं तो आप काइंडली उन बीज को निकाल दें, और उसके बाद से नमक और मिर्च को फिल करें। अब हम सब्ज़ मिर्च के दरमियान कट लगा लेंगे और इसको भी इसी तरह से फिल करेंगे जैसे हमने टमाटर को फिल किया है। ये देखें, इसी तरह से मिर्च को कट लगाना है। मिर्च के अंदर मैं वो मसाला नहीं फिल कर रही, बल्कि मिर्च के अंदर मैं चाट मसाला फिल कर रही हूँ। आप मिर्च कहते हैं या मिर्च कहते हैं, जो भी है, खाना तो हमें मिर्च को ही है, तो मैं ये देखें चाट मसाला फिल। टमाटर की ये साइड आपने फ्राई पैन में ऊपर की तरफ रखनी है और इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए दम पर लगाना है, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं। बहुत हल्की आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि टमाटर जल जाएंगे। तो जी, 3 मिनट के अंदर जो है टमाटर की एक साइड तो पक चुकी है, अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से पकाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको पलट लेना है आपने और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए दम पर लगा देना है आपने, और हल्की आंच पर रखिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ, तेज़ आंच पर टमाटर जल जाएंगे और बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इस तरह से खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब जो है हम मिर्च को फ्राई कर लेंगे। देखिए, उसी फ्राई पैन में मैंने ऑयल लगा लिया था, अब मिर्च जो मैं रख रही हूँ इसी को भी उसी तरह से लाइट फ्लेम पर, मतलब हल्की आंच पर आपने जो है ना फ्राई।